नमस्ते दोस्तों, एशियन वाइज सर्स लेक्चर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपके सामने आज एक नए विषय को लेकर आया हूँ। विषय है वाक्य। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, उसमें क्या आपको क्या क्या कमियां लग रही हैं, क्या आपको अच्छाइयाँ लग रही हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर वहाँ कमेंट अवश्य करें। साथ ही आप लोग जो हैं अब इस वाक्य को पढ़ेंगे, देखिए मैं कितनी आसानी से आपको वाक्य को मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि वाक्य जो हैं, वाक्य आप लोग अपने प्रारंभिक कक्षाओं से ही आप लोग वाक्य के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई जो है वह वर्ण होती है, सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण होती है। और वाक्य जो होता है यह भाषा की सबसे सबसे जो बड़ी इकाई है वह वाक्य होता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है पहले मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वाक्य किसे कहते हैं, तो कई लोग अगर किसी से पूछा जाए कि वाक्य किसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन शब्दों के समूह को तो वाक्य नहीं कहेंगे। अगर शब्दों के समूह को अगर हम वाक्य कह देंगे तो देखिए मैं यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊंगा कि वाक्य होता क्या है। मान लीजिए कि मैं शब्दों के समूह को मैं दिखाऊँ, यहाँ मैं लिख दूँ राम श्याम मोहन, मैंने तीन शब्द में लिख दिया, तीन शब्दों का मैं समूह लिख दिया, क्या हम लोग इसे क्या वाक्य कहेंगे? क्या यह वाक्य नहीं है? यह वाक्य नहीं हो सकता है। शब्द का समूह तो है लेकिन यह वाक्य नहीं है। तो वाक्य होने के लिए आवश्यक क्या है? शब्द का समूह तो आवश्यक है लेकिन उन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे जिनका कोई अर्थ होता है। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, मैं परिभाषा यहां लिख रहा हूं। तो वाक्य की परिभाषा होती है, शब्दों के सार्थक समूह समूह को वाक्य कहते हैं। तो क्या मैंने बोला कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे ही वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए यहां मैं उदाहरण में कुछ वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा राम पत्र लिखता है। ठीक है, यह देखिए एक वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक दो तीन चार, चार यहाँ पे शब्द हैं और चारों शब्द समूह जो हैं एक अर्थ को प्रकट करते हैं कि राम जो इस वाक्य का कर्ता है वह कोई एक कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? तो वह पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहेंगे। तो यहाँ वाक्य के भेदों को भी हम लोग जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाक्य का भेद जो है वह दो आधारों पे होता है, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो मैं इस वीडियो में आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद जो होता है वही मैं बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं उसे मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले जान लें कि वाक्य का भेद जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आठ भेद है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताऊंगा इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा हूं। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वह देखें। तो पहला, यह रचना के आधार पे पहला वाक्य जो होता है वह होता है सरल वाक्य, जिसे आप अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा वाक्य होता है मिश्र वाक्य, इसे अंग्रेजी में आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य, इसे अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं।
तो यही यही तीन भेद जो है रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं, और तीनों भेदों को हम परिभाषा सहित जो है बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो ऊपर के अंश को अब मैं मिटा दे रहा हूँ, और वहां देखिए मैं तीनों भेदों को बारी बारी से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो यह रचना के आधार पर वाक्य का पहला भेद जो है वह सरल वाक्य है। तो मित्रों सबसे पहले यहाँ प्रश्न बनता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, ये सरल वाक्य होता क्या है? सरल वाक्य होता क्या है? तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कैसे? देखिए पहले मैं परिभाषा भी दूं उसका मैं समझा रहा हूं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मैंने कहा कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कैसे? इसका उदाहरण देखिए मैं दिखा रहा हूं। जैसे जैसे राम पत्र लिख रहा है, यहां मैंने वाक्य लिखा है कि राम पत्र लिख रहा है। इसमें देखिए एक कर्ता है, कर्ता क्या है? तो कर्ता जो है राम है, और या इस वाक्य में एक क्रिया है, क्रिया क्या है? तो वह लिखने का काम कर रहा है। तो एक कर्ता और एक क्रिया मिल गई, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। किंतु मित्रों आप एक बात और याद रखेंगे, कभी कभी कुछ स्थितियों में एकाधिक कर्ता भी आता है, तो आप जो एकाधिक कर्ता को देखकर, एक से अधिक कर्ता को देखकर आप वहां भ्रमित नहीं होंगे कि वह सरल वाक्य नहीं होगा। देखिए मैं वैसा भी यहाँ उदाहरण दिखा रहा हूं। जैसे राम श्याम और मोहन पढ़ रहे हैं, मतलब राम श्याम और मोहन पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ कर्ता जो है वह तीन कर्ता हो गया, लेकिन क्रिया जो है एक ही है। लेकिन यहाँ जो है भले तीन कर्ता हुआ, लेकिन तीनों कर्ता जो है वह एक ही क्रिया कर रहे हैं। तो यह वाक्य भी यह सरल वाक्य है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे इसको। अब जो है दूसरा वाक्य जो होता है वह होता है मिश्र वाक्य। या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? देखें तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मैंने बोला क्या कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, मैंने बोला कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें देखिएगा कि एक वाक्य रहेगा, वाक्य का एक अंश जो है प्रधान उपवाक होगा और दूसरा अंश जो है वो आश्रित उपवाक होगा। उदाहरण मैं लिखूंगा तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे राम ने कहा वह नहीं खेलेगा। देखिए यहाँ जो है वह दो वाक्य हैं, एक जो है यहाँ है कि राम ने कहा, दूसरा है वह नहीं खेलेगा। कुछ स्थितियों में या जो यहाँ पे मैं अल्प विराम दिया हूँ, इस अल्प विराम के जगह पे यहाँ पे एक या की का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे या की भी हो सकता है, यहाँ जो है या अल्प विराम का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ देखिए राम ने कहा वह नहीं खेलेगा, इसमें दो वाक्य हैं और उसमें से एक जो है प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य है। तो देखिए वह नहीं खेलेगा यह अंश जो है या इस
वाले वाक्य के अंश पर निर्भर करता है। तो यहां पे राम ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य, और इसी प्रधान उपवाक्य पर यह वाक्य जो है निर्भर करता है कि वह नहीं खेलेगा। तो यह हो जाएगा यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। साथ ही देखिए मैं इसका दूसरा भी उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे होता है कि जब वर्षा हुई बादल छट गए, तो जब वर्षा हुई बादल छट गए, तो बादल का छटना जो है वह वर्षा होने पर निर्भर है, अर्थात जब वर्षा हुई वह प्रधान उपवाक हो जाएगा और बादल छट गए वह आश्रित उपवाक हो जाएगा। ठीक है, तो यह मिश्र वाक हो गया। और तीसरा वाक्य जो होता है वह संयुक्त वाक्य, उसे मैं ऊपर बता रहा हूँ, तो ऊपर जो सरल वाक्य का परिभाषा मैंने जो लिखा है उसे मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए तीसरा भेद जो है वाक्य का वह संयुक्त वाक्य है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैंने लिखा क्या कि जिस वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें दोनों प्रधान उपवाक्य जो हैं वह समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। ठीक है, तो काफी आसान परिभाषा में लिखा हूं कि जिस वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे, देखिए मैं इसका उदाहरण में लिख रहा हूं, जैसे राम आया और श्याम गया। तो यहां मैंने लिखा कि राम आया और श्याम गया। यहां देखिए ये दो वाक्य है, इसमें एक है राम आया और दूसरा श्याम गया, और दोनों ही वाक्य क्या है, प्रधान वाक्य है। हम लोग नीचे देखे क्या कि मिश्र वाक्य में हमने देखा था कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य है, किंतु यहाँ संयुक्त वाक्य में देख रहे हैं कि दोनों ही वाक्य जो है वह प्रधान उपवाक्य है, और बीच में देखें या और जो है या योजक समुच्चय बोधक शब्द से यह जुड़ा हुआ है। साथ ही देखिए मैं एक दूसरा उदाहरण दिखा रहा हूं, वर्षा हुई और बादल छट गए। ठीक है, यहां भी देखिए दो वाक्य हैं, वर्षा हुई या पहला वाक्य और बादल छट गए या दूसरा वाक्य, और दोनों ही वाक्य हैं, दोनों ही वाक्य प्रधान प्रधान उपवाक्य हैं। ठीक है, तो यह जो है भेद हो गए मित्रों। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा यहाँ पे कि आप जो है कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य जो है सरल वाक्य होगा, कौन सा मिश्र वाक्य होगा और कौन सा संयुक्त वाक्य होगा। तो बड़ी आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। तो इसकी पहचान में यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप लोग बारी बारी से उसे देख लें और आप लोग बड़ी सरलता से किसी भी वाक्य को पहचान पाएंगे कि कौन सा वाक्य जो है वह मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो ऊपर के अंश को मैं मिटा दे रहा हूँ, जरा देखें ध्यान से। तो मित्रों सरल वाक्य को पहचानना तो बड़ा ही आसान है। आपको मैं पहले ही बताया कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, तो उसे पहचानने में विशेष परेशानी नहीं आती है। वह मैं बोला कि एकाधिक जब कर्ता आते हैं वहाँ थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन मैंने वहाँ बता दिया कि जब एक से अधिक कर्ता आए और क्रिया एक ही हो तब भी वह कौन सा वाक्य होगा, तो वह सरल वाक्य होगा। मूलतः समस्या होती है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में। तो मिश्र वाक्य की पहचान देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, जब किसी वाक्य में किसी वाक्य में
जब जो यदि की जैसे आदि शब्द आता है तो वह मिश्र वाक्य होगा। तो मैंने बोला क्या कि जब किसी वाक्य में जब शब्द आता है, या जो आता है, या यदि आता है, कि आए, या जैसे शब्द आए, तो वाक्य वह मिश्र वाक्य होगा। देखिए मैं कुछ उदाहरण में बता रहा हूँ। जैसे या जब से, जब वर्षा हुई बादल छट गए, या जब वर्षा हुई बादल छट गए, यह जो है मिश्र वाक्य है। यदि यदि शब्द का मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि यदि मोहन पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो जाता, तो यदि शब्द आए वह भी जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कि शब्द का प्रयोग मैं बता रहा हूँ कि राम ने कहा कि वह नहीं खेलेगा, और जैसे, ठीक है, जैसे, तो जैसे ही मोहन आया सोहन चला गया, यह जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। तो मिश्र वाक्य को आप लोग इन शब्दों के माध्यम से बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। साथ ही देखिए संयुक्त वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे। संयुक्त वाक्य देखिए क्या पहचान है। तो संयुक्त वाक्य को भी आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि जब किसी वाक्य में वाक्य में और इसलिए केवल बल्कि आदि शब्द आता है तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। मैंने बताया क्या कि जब किसी वाक्य में और इसलिए न केवल बल्कि आदि शब्द आए तो वाक्य कौन सा होगा, वह संयुक्त वाक्य होगा। तो बड़ी आसानी से आप लोग इसे पहचान पाएंगे। देखिए मैं अभी बताया और का प्रयोग में जो संयुक्त वाक्य का मैं परिभाषा बताया, वहां मैं उदाहरण दिया कि राम आया और मैं गया, तो वाक्य जो है और आने पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसलिए का प्रयोग, मोहन बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, इसलिए का यह उदाहरण हो जाएगा। न केवल बल्कि, और इसका प्रयोग देखिए कहाँ होता है, वह न केवल पढ़ने में तेज है बल्कि खेल कूद में भी तेज है, या न केवल बल्कि के माध्यम से संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और यह वाक्य को अच्छे से समझे होंगे। तो मित्रों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इसे देख पाएँ और उन्हें भी लाभ हो जो मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं। धन्यवाद।